नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूँ नौशाद अंसारी यादाब। नाजरीन, मऊ शहर के नगर पालिका के करीब मोहल्ला शाही कटरा में ट्रांसफार्मर जलने से लोगों को पीने के पानी के लिए तड़पना पड़ रहा है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली महकमा की जानिब से ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया गया है। जबकि चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने बिजली महकमा से ट्रांसफार्मर को फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया था। ख्याल रहे कि नगर पालिका के करीब दो ट्यूबवेल है जिससे पानी की सप्लाई की जाती है और दोनों ट्यूबवेल काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अभी तक बिजली महकमा की जानिब इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। नगर पालिका की जानिब से पानी के टैंकर लगाए जा रहे हैं तो कुछ लोगों को पानी मिल पा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग पानी से महरूम रह जाते हैं, जिसको लेकर आवाम में काफ़ी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। और मुकामी लोगों का कहना है कि अगर बिजली महकमा ने फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं किया तो वो आवाम के मुफाद में तहरीक चलाएंगे, आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करने तक की नौबत आ जाएगी। इसलिए बिजली महकमा फौरी ट्रांसफार्मर को तब्दील करे, वरना मुजाहरे के लिए तैयार रहे। पानी की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए नगर पालिका की जानिब से दोनों ट्यूबवेलों को जनरेटर के ज़रिए ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन जनरेटर से पानी उस मिकदार में नहीं मिल पा रहा है जो बिजली से उसे मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। नगर पालिका इलाके में ये दो बड़े ट्यूबवेल हैं जो दर्जनों मोहल्ले को पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर जले होने की वजह से दर्जनों मोहल्ले मुतासिर हैं। उनमें सबसे ख़ास इलाके शाही कटरा, मोगलपुरा, क्यारी टोला और हरकेशपुरा जैसे मोहल्ले ख़ास तौर से मुतासिर हैं, जहां पे पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन बिजली महकमा की लापरवाही की वजह से अभी तक न तो बिजली उन्हें मिल पा रही है और न ही पीने का साफ पानी। गनीमत यह है कि लोग अपने घरों में नहीं सो रहे हैं, सामने मैदान है और मैदान में बाहर बरसात के मौसम में निकल कर सो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। कलाम भाई, ये बताएं कि ये ट्रांसफार्मर कितने दिन से जला है? 4 दिन हुआ। तो 4 दिन से जलने के बाद क्या अभी तक कोई इस पर काम नहीं हुआ? ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली नहीं है तो नहीं। गर्मी में कैसे सोते हैं? क्या बताया, इसीलिए तेल का सहारा मैदान में पड़े हैं ना। पानी अब पानी के लिए लोग इतना परेशान छटपटा रहे हैं। आज तो बड़ी चिड़ी कहते हैं, पानी आया तो जुमा को आदमी नहा हो गया, कुछ पानी का पीने का हो गया, वो आगे आदमी को पीने को आ गया। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा सद्दाम हुसैन नाम है। सद्दाम, बताओ कि ये ट्रांसफार्मर कितने दिन से जला है? कम से कम ये 4-5 रोज हो गया है। 4-5 रोज में अभी तक ट्रांसफार्मर का कोई इंतज़ाम नहीं है? नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं। कोई इंतज़ाम नहीं। चेयरमैन साहब ने तो बिजली महकमे से बात की थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पानी कैसे मिल रहा है? पानी भाई एक टैंकर आ रहा है, उसमें किसी लोग पा रहे हैं, कोई नहीं पा रहा है। मतलब लोगों घर पानी नहीं है? नहीं, पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। पानी के लिए दूर दूर जा रहे हैं लोग लेने, जिसके घर लाइन है तो उसके घर जा रहे हैं लेने, इसके बाद नहीं मिल रहा है पानी। एक डिब्बा आ रहा है, एक टैंकर, उसमें आधा पा रहे हैं लोग, आधा नहीं पा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लग जाए जल्दी से जल्दी लग जाए। रात में सोना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है। और तो एक मैदान है कि नींब है कि यहाँ लोग हम लोग बैठते हैं। क्या नाम है? रियाजुल है। रियाजुल भाई, बताएं ट्रांसफार्मर जला है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग को घर में छोटा छोटा मकान है, 10-10, 12-12 परिवार है, गर्मी में हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग के पास चौवा भी हैं। अच्छा, तो जानवर भी हैं। पानी कैसे मिल रहा है जानवरों? पानी तो खैर किसी तरह से हम लोग ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से बात किया गया कि ट्यूबवेल ऐसा चला दिए कि कभी कभी पानी मिल जा रहा है, नहीं तो लाइन नहीं ले रही तो नहीं मिल। चेयरमैन साहब की कोशिश है और वो ट्यूबवेल को जनरेटर से ऑपरेट करवा रहे हैं, लेकिन जनरेटर से पानी इतना नहीं दे पा रहा है कि मतलब पूरे इलाके में मिल जाए। नहीं, भोजन बिल्कुल नहीं मिल रहा और बच्चे भी परेशान हैं, रो रहे हैं। पानी कहाँ मतलब यहाँ से ढो के ले आते हैं टैंक से? हाँ, टैंक से पानी हम लोग ढो के घर घर में ले आ रहे हैं पानी पीने के लिए। जी ठीक।